लास्ट so, लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आप मेरा वीडियो लेक्चर देख के जो है कर इट ओके सो मैं अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आगे बढ़ रहा हूं इट ओके वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन कटायन की अनायन एनायन देखो एनायन की बात करूं सुन लो मेरी बात मुझे समझ आ गया आपका क्वेश्चन जितना एनायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी उसकी अग, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जो है कम हो जाएगी सो ऐसे में जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी तो कैटायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एनायन के चार्ज के Universally proportional. मुझे लगता है जवाब मिल गया ठीक है चलिए सोकेगा so, okay. so, देख, जो, जो देख पाए so, आज हम जो बात कर रहे हैं एक जो टॉपिक है दट इज लेटिस एनर्जी मुझे लगता है ये नहीं दिख रहा है सो आई शुड चेंज द मार्कर एक मिनट यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको the minimum energy. द मिनिमम एनर्जी रिलीज वेन वन मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स साइंस इन स्टेट। एक मिनट दीजिए मुझे जो है जस्ट एक मिनट चलिए सो so, फिर से मैं बोर्ड पे प्रकट हो गया सुन लीजिए अब ध्यान दीजिएगा ठीक है? देखो इसका मतलब क्या है जैसे मान लीजिए देर इज पॉजिटिव आयन जो कि गैसियस फॉर्म में है देर इज सम एक्स नेगेटिव आयन जो कि गैसियस फॉर्म में है तो जब जो है इससे कोई एमएक्स सॉलिड बनता है जैसे आप सोडियम क्लोराइड इमेजिन कर सकते हैं तो जैसे एमएक्स सॉलिड बनता है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है रिलीज ही होगी जो भी रिलीज ही होगी क्योंकि जो है यहां पर कैटाइन और एनाइन जो है आपस में जुड़ रहे हैं ठीक है सो so, जो एनर्जी रिलीज होगी ठीक है बस इसका भी ध्यान रख लीजिएगा कि यहां पर अगर ये मान लो माइनस एक्स जूल है पर मोल, सो so, लेटिस एनर्जी को हम जो है एक्स जूल पर मोल कह देते हैं कि भैया इसकी जो लेटिस एनर्जी है जब ये बना है तो एक्स जूल रिलीज हुई है क्योंकि रिलीज जो वर्ड है वो यूज थर्मोडाइनेमिकली जब रिलीज होगी तो माइनस साइन डेल्टा जब भी आएगा तो वो एक्यूरेट साइन होगा ठीक है लेटिस एनर्जी इसकी कितनी है भाई तो एक्स पर मोल है ठीक है अच्छा अब जो लेटिस एनर्जी है क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन का मामला है सो ऐसे में जो लेटिस एनर्जी है लेटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्यूवन क्यू टू अपॉन आर ये वही कूलम्स लॉ. सभी को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं क्योंकि आप में से कई लोग लॉग इन तब करते हैं जब तक कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हो। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है ठीक है हाँ मिलीक स्केल में कंफ्यूजन थी मैं आता हूँ मिलीक स्केल पे ठीक है ओके अब अब सुनो हाँ, मैंने कहा कि जो इलेट्रिस एनर्जी है दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिलीज जबकि एक मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड जो है उसके गैसियस जैसे एन पॉजिटिव और नेगेटिव सीएल फॉर्म में मिलके एन का क्रिस्टल बना देते हैं एक मोल एक मोल मतलब 58.5 ग्राम तो जितनी एनर्जी जो रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड लेट्रिस एनर्जी है लेट्रिस एनर्जी क्योंकि नेगेटिव साइन ने है रिलीज एनर्जी होती है तो इसका जब U में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका प्लस साइन हो गया मतलब वही अपना इलेक्ट्रॉन गेन एन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला फंडा कि साइन अपोजिट हो जाएंगे ठीक है बट इट इज ऑलवेज नेगेटिव सॉरी अच्छा लैटिस एनर्जी मैंने कहा कि इट इज प्रपोर्शनल टू दिस वैल्यू ठीक है और जैसा मैंने कहा कि भाई कुलम्स लॉ में हमने कहा है कि एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर ठीक है माइनस में साइन क्योंकि इट इज द एनर्जी रिलीज वही कूलम्स लॉ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा Q1 क्या है Q1 वन इज चाहे कैटायन का चार्ज ले लो Q2 टू इज एनायन का चार्ज मतलब ये फार्मूला ये कह रहा है कि भाई जितना कैटायन और एनायन पे चार्ज होगा उतनी उनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी लाइट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है इज इट ओके जैसे अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें अब जैसे हमने कहा कि अगर कॉमन हेलोजन ले ली जाए तो जैसे लिथियम क्लोराइड की आई एनर्जी ज्यादा होगी देन NaCl, के सी एल चलो तो सीज़ियम तक की बात करते हैं ठीक है सो so, जो आई जो लेटिस एनर्जी होगी उसका ऑर्डर ये होगा क्यों होगा देखो लीथियम पे भी वन पॉजिटिव है सुन लीजिए सिर्फ गैस से सॉलिड बनना है गैसियस आयन से सॉलिड बनना है और किसी स्टेट की बात नहीं करनी और सॉलिड जो लेटिस होता है ना वो सॉलिड में ही होता है वो लिक्विड में नहीं होगा तो इधर गैस ही होना चाहिए हर बार इधर हर बार सॉलिड ही होना चाहिए इज इट ओके जो क्रिस्टल की अरेंजमेंट होती है ना अरेंजमेंट ऑफ आय इन ए सॉलिड क्रिस्टल इज कॉल्ड लेटिस तो जैसे सोडियम क्लोराइड ठीक है हाँ ऊपर डेल्टा एच एंड यू मैंने कहा डेल्टा एच एंड यू का जो सिंबल रहेगा उल्टा रहेगा डेल्टा एच तो सीधे बताएगा अगर रिलीज हो रही है तो माइनस साइन लेकिन यू में जब रिलीज होगी तो प्लस साइन मतलब उसकी लेटिस एनर्जी उतनी ज्यादा है जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है मतलब उतना ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे इसमें इज इट ओके मतलब हुआ हाँ, नहीं कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है सुन लो अब यहां पर मैंने कहा लिथियम और क्लोरीन, इन सभी में कटायन और एनायन पे कटायन में सभी में वन पॉजिटिव चार्ज है एनायन में सभी पे वन नेगेटिव चार्ज है सो ऐसे में होगा क्या सुन लीजिए ऐसे में होगा क्या कि यहां पर जो है समझिएगा बात को लिथियम और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस सबसे कम क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है देन सोडियम, देन सोडियम काम देन रूबीडियम तो जैसे जैसे कटायन बड़ा होता जा रहा है कटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है हमने कहा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है लेट्रिस एनर्जी होती है सो दिस इज द ट्रेंड इज इट ओके और ऐसे ही अगर हम कटायन सेम रखें जैसे NAF, NACL, सीएल एन ए बी आर एंड एन ए आई अब इसमें क्या है इसमें कटायन सेम है लेकिन एनआई अलग है तो एन ए एफ की सबसे स्ट्रॉग इलेट्रिस एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों हो गई क्योंकि सोडियम और फ्लोरिन में सबसे कम डिस्टेंस है। चार्ज सभी में बराबर है इनमें चार्ज बराबर है पहली बात का ध्यान रख वन पॉजिटिव वन नेगेटिव वन पॉजिटिव वन नेगेटिव सभी में चार्जेस बराबर है ठीक है तो फिर डिस्टेंस देखेंगे दे। सुन लीजिएगा सेकंड थिंग अब यहां पर आप एक बात का और ध्यान दें कि जो लेटिस एनर्जी होगी ए की ज्यादा होगी एम से एंड देन फिर एन आया सुन लीजिएगा बात ये मैं क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम पे थ्री पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीशियम पे टू पॉजिटिव है सोडियम पे वन पॉजिटिव है क्लोरीन तो सभी पे माइनस वन माइनस वन ही है तो ऐसे में Q1 जब बड़ा हो जाएगा तो लेटिस एनर्जी जो है ये हाँ बिल्कुल नहीं 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 सीजियम क्लोराइड डज नॉट हैव स्ट्रोंगर बॉन्ड इड है स्ट्रोंगर बॉन्ड देन सीजियम क्लोराइड यहां पर लेटिज एनर्जी ज्यादा होने का मतलब मैग्निट्यूडवाइज ज्यादा हो कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इज इट ओके हाँ मैंने कह दिया कि इनमें स्ट्रोंग फोर्सेस है इसमें वीक हो गई इसमें और वीक हो गई इसमें और वीक, इस वीक। क्योंकि कटायन का साइज बढ़ता, बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे कटायन का साइज बढ़ता जा रहा है तो अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन जो है कम होती जाएगी सो so, इस वजह से जो है लेटिस एनर्जी कम होती जाएगी क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं ओके 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नाइस 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 चलिए आगे बढ़ते हैं आ गया चलिए अच्छा सो so, जैसा मैंने कहा मैंने कहा कि लेटिस एनर्जी जो है अब आप ऐसे देखें चलिए आगे बढ़ते इसके बाद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी सुनते जाइएगा इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस आयन गेट्स हाइड्रेटेड सुनते जाइएगा ठीक है अभी मैं आपको क्लियर करता जाता हूं बात देखो हाइड्रेटेड का मतलब आपको बिल्कुल नहीं पता होगा लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं सुनिए यहां पर वॉटर मॉलिक्यूल्स है ठीक है और वो एक्सेस में ले लिया हमने वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया सो व्हाट वी गेट इन द प्रोडक्ट वी गेट एन ए पॉजिटिव एक्वर्स ठीक है अब जब ये बनता है सो so, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे हम डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ एन ए पॉजिटिव जो भी एनर्जी रिलीज हुई माइनस एक्स जूल्स पर मोल, ऐसे अब आप बोलेंगे कि इसमें एनर्जी रिलीज हुई क्यों सोडियम पॉजिटिव से सोडियम एक्वस बना पानी कहां गया प्रोडक्ट में पानी दिख नहीं रहा सिर्फ सोडियम पॉजिटिव एक्वस बना है ना सो आखिर जो है एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी दो स्पीसीज में अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है तो सुनो हुआ क्या है कि ये जो सोडियम पॉजिटिव है जब आपने इसको पानी में डाला बोर्ड पे देखते जाइएगा जब हमने इसको पानी में डाला सो इसकी तरफ जो है वाटर अट्रैक्ट हुआ वाटर का अभी हम केमिकल बॉन्डिंग में ये बात भी पढ़ेंगे ठीक है बट वाटर का जो नेगेटिव एंड है वो जो है अट्रैक्ट हुआ ऐसे हमने आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ा होगा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर डेल्टा नेगेटिव लगा देते हैं जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर डेल्टा पॉजिटिव लगा देते हैं ऐसे ठीक है रीजन बींग क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास ज्यादा होगी इस सिग्मा बॉन्ड की जिन जिन लोगों ने मैंने बार बार कहा आपको कि मैं जब देता हूं वीडियो जो है उसको प्लीज देख लिया करें मेरे से ये ना एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको अब फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कराऊंगा वीडियो है नहीं समझ आया आई भाई मैं आपको जो है फिर से अगर नहीं समझ आए बिल्कुल ही तो मैं करवा ठीक है ना तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट यू हैव दीडियो ठीक है अच्छा तो ऐसे सुन लो ऐसे जो है इसको कई वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सराउंड करने ऐसे कई वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे आप देख रहे हैं जैसे ही सोडियम पॉजिटिव सोल्यूशन में आएगा पानी में आएगा कई पानी के मॉलिक्यूल जो है इसको सराउंड कर लेंगे दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ एन पॉजिटिव ठीक है नेक्स्ट थिंग ऐसे ही देयर इज सी नेगेटिव गैसियस वाटर जब इसके साथ बाइंड करेगा सुनते जाइएगा वी विल गेट सी एल नेगेटिव एक्वस एंड इसको इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच हाइड्रेशन Of CL negative, इसको मान लो पर मोल सुनते जाइएगा अब इसमें आप बोलोगे इसमें कैसे हाइड्रेशन होगी सो so इसमें क्या है जो पानी का पॉजिटिव एंड है पॉजिटिव कौन है हमने यहां पे कहा कि डेल्टा पॉजिटिव इज दिस So, पानी का जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हिस्सा है वो जो है सी नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है क्या आप समझ पा रहे हैं क्या आपको समझ आई इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई वो हाइड्रेशन ऑफ सी नेगेटिव है बेटा जी बोलो समझ में आई बात क्या नहीं समझ में आई आर्षिया को आ गई आकर्षित को आ गई नाइस नाइस ठीक है नोट करते जाए आप विनिकता को आ गई अरुण को आ गई क्या बात है नकुल हर्षदीप कौर नाइस नाइस ठीक है कुलमीत सक्षम अस्तित्व समझ में आ गई ठीक है सौम्या नाइस नाइस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड ठीक है, है? चलिए सुजल को भी आ गई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है सो so, आगे बढ़े आगे बढ़ा जाए नोट कर लें प्लीज हां इसमें भी अट्रैक्शन हुई ना सीएल नेगेटिव और एच पॉजिटिव में भी तो अट्रैक्शन हुई सो एनर्जी रिलीज ही होगी इसमें नेगेटिव ये है पॉजिटिव ये है इसमें पॉजिटिव सेंटर वाला है नेगेटिव जो है हाँ संचित मैं नहीं मिटा रहा हूं नोट कर ले आराम से So, इसका मतलब ये हो गया इनके भी ट्रेंड की बात कर रहा हूं मतलब जो डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ एन हो गया द सम ऑफ डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ एन पॉजिटिव प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ सी नेगेटिव टाइन और एनाइन की हाइड्रेशन एनर्जी का सम सही है बात लास्ट वाला मैंने कहा टोटल एनए है ना तो एनए क्या करेगा सुन लो देखो एन में क्या होगा भाई एनए सॉलिड जो है पहले एन पॉजिटिव बनाएगा गैसियस प्लस सीएल नेगेटिव गैसियस बनाएगा फिर उस एन ए पॉजिटिव ऐसे हाइड्रेट होगा सी एन नेगेटिव ऐसे हाइड्रेट होगा सो टोटल हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एन ए सी एल इज ऑफ एन ए पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव ठीक है मिटा दिया जाए ओके okay. अच्छा अभी हमने पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा है एक बात का ध्यान दीजिएगा अभी हमने पीरियोडिक टेबल में अच्छा ए, मैं यह बता दूं कि जो डेल्टा एच हाइड्रेशन है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू साइड ठीक है मतलब जितना आयन पे चार्ज होगा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना जो है हाइड्रेशन ज्यादा होगी इज इट ओके मतलब एक तरह से सुन लो एक तरह से जैसे जो ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन होगा वो एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव का ज्यादा होगा देन बेरीलियम टू पॉजिटिव का एंड देन फिर उसके बाद आ गया एन ए वन पॉजिटिव मतलब ये चीज डोमिनेट करती है ये चीज डोमिनेट करती है ठीक है द सेकेंड थिंग एनआईन में भी यही है कि एन थ्री नेगेटिव की हाइड्रेशन ज्यादा होगी या P3 नेगेटिव ले लेते हैं एंड देन S2 नेगेटिव ठीक है ना एंड देन सी नेगेटिव समझ आ रही है बात मतलब जो चार्ज वाला फैक्टर है वो बड़ा है अगर कहीं पे चार्ज और साइज में उल्टा भी हो जाए कि भाई चार्ज ज्यादा है लेकिन साइज छोटा है या साइज भी बड़ा है तो चार्ज को ही देखो बस आपका काम हो जाएगा ठीक है चलो अभी मैं सिंपल सी बात पे आता हूँ सिंपल सी बात पे आता हूँ ठीक है ना ये तो आप समझ गए दो चीज ठीक है कि चार्ज ज्यादा तो हाइड्रेशन ज्यादा अब अगर हम साइज की बात करें देखो आपने हम, हमने जो है अभी पढ़ा हुआ है कि जो साइज का ऑर्डर है देखो सीजियम सबसे बड़ा कटायन है एंड देन रुबीडियम एंड देन पोटाशियम एंड देन सोडियम एंड देन लिथियम पॉजिटिव सही बोला अपने कटाइंस का जो ऑर्डर है बेटा जी वो ये रहेगा एकदम सही बोला ठीक है अच्छा अब सुने लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा अब ध्यान दीजिएगा यहां पर जब हम इनको पानी में डालेंगे पानी में डालने के बाद देखो ये बन जाएगा सीजियम पॉजिटिव एक्वस ये बन जाएगा रोबीडियम पॉजिटिव एक्वस ये बन जाएगा के पॉजिटिव एक्वस सुनते जाओ बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं एन ए पॉजिटिव एक्वस एंड देन एल आई पॉजिटिव एक्वस ठीक है लेकिन मामला इतना ही नहीं है क्या आप मुझे बता सकते हो कि सीजियम और लिथियम पॉजिटिव में से किसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी सीजियम और लिथियम में से किसकी है? बिल्कुल सही अक्षित ने सही जवाब दिया कि लिथियम पॉजिटिव की हाइड्रेशन ज्यादा होगी एकदम सही क्या बात है सही पकड़ रहे हैं आप बात को जो है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सो लिथियम पॉजिटिव की हाइड्रेशन ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो लिथियम पॉजिटिव है ये इसके अराउंड बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे मैं गोला बना रहा हूं सर्कल बना रहा हूं एक वाटर मॉलिक्यूल मींस एक सर्कल ठीक है सो so, ऐसे कई वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको सराउंड कर लेंगे सही बात है जबकि जो अपना सीजियम पॉजिटिव है उसका साइज बड़ा होने की वजह से उसकी हाइड्रेशन कम ही होगी मतलब हाइड्रेटेड सीजियम आयन की साइज uh, जो है छोटा हो गया किससे लीथियम पॉजिटिव से क्या बेटा जी आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं मैंने कहा कि लीथियम की हाइड्रेशन ज्यादा होगी दैट विल बी सराउंडेड बाय सो मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स जबकि जो सीजियम होगा उसका साइज क्योंकि बड़ा है तो बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए उसकी हाइड्रेशन कम होगी उसको वाटर मॉलिक्यूल्स कम सराउन करेंगे सो ऐसे में एक्वस में अगर देखा जाए तो साइज हो गया कम पहले वाला ऑर्डर तो हमने नकुल जी रेडियस में ही पढ़ रखा है कि डाउन द दा ग्रुप रेडियई ऑफ आय इंक्रीजेस जैसे आप पीरियडिक टेबल में नीचे जाते हैं सो डाउन द ग्रुप जो है साइज इंक्रीज करता है इजिट ओके बट यहां पे ट्रेंड आ गया उल्टा समझ रहे हैं बात उल्टा क्यों आया अच्छा अब अब एक बात मुझे बताओ एक बात मुझे और बताओ कि देखो जैसे अब हमने कहा कि लीथियम पॉजिटिव जो है वो है बड़ा तो मैंने फिर से उसको बड़ा दिखा दिया यह है लिथियम पॉजिटिव जो अपना सीजियम पॉजिटिव है हाइड्रेटेड वो है छोटा और अगर मैं इनकी रेस लगाऊं, यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड की तरफ तो यह बताओ कि लिथियम पॉजिटिव और सीजियम पॉजिटिव में से कौन जल्दी पहुंचेगा इस कैथोड की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जो है कौन पहुंचेगा जल्दी एक लिथियम पॉजिटिव है जो बड़े साइज का है क्या बात है ने सही जवाब दे दिया मुझे कि सीजियम पॉजिटिव जल्दी पहुंचेगा क्योंकि वो कम बल की है तो ये फास्ट पहुंचेगा क्योंकि ये पतला है ये स्लिम है और ये स्लो है क्योंकि ये मोटा है इज इट ओके तो इसलिए अगर मैं यहां पर एक ऑर्डर और लिखूं दैट इज द ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी सो सीजियम पॉजिटिव एक्ट सबसे फास्ट क्योंकि सबसे छोटा है देन सही है बात के नहीं बेटा जी आर यू गेटिंग माई पॉइंट आ गया समझ ठीक है इट ओके इट इज द बल्क ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रेडियस हाइड्रेटेड देखो ना दो रेडियस हो गए बेटा जी सुनो 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 देखो सुन लो सुन लो हाँ तो हम कहेंगे कि लिथियम पॉजिटिव की हाइड्रेशन ज्यादा होती है अगर पेपर में आएगा लिथियम पॉजिटिव की हाइड्रेशन ज्यादा होती है सीजियम पॉजिटिव से पहली बार ठीक है ना सो so, ये गैसियस फॉर्म के इनके हैं। अगर आप चाहें तो आप गैसियस भी लिख सकते हो ब्रैकेट में कि ये गैसियस फॉर्म में इनके रेडिये ये हैं और हाइड्रेटेड के रेडिये उल्टे हो जाएंगे और फिर आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर फिर से उल्टा हो गया इसका उल्टा आयनिक मोबिलिटी हो गया ठीक है इज इट ओके समझ आ गई आपको बात समझ आ गई कि नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है अच्छा अब बेटा जी हां हां बिल्कुल लिथियम पॉजिटिव इज मोर आयोनाइज देन सीजियम नहीं आयोनाइज नहीं हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड आयोनाइज नहीं क्योंकि लिथियम पॉजिटिव और सीजियम पॉजिटिव दोनों आयन तो आयनाइज़ वर्ड नहीं यूज करेंगे लिथियम पॉजिटिव इज मोर हाइड्रेटेड सीज़ियम पॉजिटिव ये हम कह सकते हैं समझ आ रही है बात चलिए सो so, अब इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हो जाता है खत्म ठीक है ये हमारा टॉपिक जो है खत्म हो गया लेकिन ये हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड रेडियई बेटा फिर से कुलमीत मैं कह रहा हूं आयोनाइज नहीं यार आयोनाइज कहां से हो गया जब आयोनाइज है तो आयोनाइज कहां से हो गया वो पहले टूटा हुआ आयन है वो आयन में आयोनाइज क्या होना है ठीक है हाइड्रेट जो है लिथियम पॉजिटिव ज्यादा होगा सीजियम पॉजिटिव से यहां पर आयोनाइज वर्ड कुछ भी नहीं है कोई सिग्निफिकेंस नहीं आयोनाइज ठीक है अच्छा अब मुझे बताइए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में समवन सेइंग कि उसको मलिकन स्केल में डाउट है है ना मिलीकन स्केल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसमें उसको डाउट है तो so, अब बताएं क्या डाउट है मिलिकन स्केल मैं थोड़ा सा बता देता हूं मिलिकन स्केल में देखो जो मलिकन स्केल है ना दट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रोनगेटिविटी ऑन मिलीकन स्केल इज द मीन ऑफ आयनाइजन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एटिविटी और ये दोनों वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ठीक है ना सो so, बस इतनी सी बात है और पॉलिंग स्केल एंड मलिकन स्केल हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मिलिकन स्केल डिवाइडेड बाय 2.8। पॉइंट एट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है ठीक है और क्या किसका यूज इनका यूज नहीं है, ये पता क्या है ये पुराने स्केल के बेस पे है आजकल इनको सीधे सीधे जो है मतलब अब तो क्वेश्चन भी पूछना बंद कर दिया पहले क्या होता था कि पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि भाई पॉलिंग इतनी है पॉलिंग की तो मलिकन की कितनी होती है वो आज से दस साल पहले अब तो क्वेश्चन भी नहीं आता तो ये जस्ट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के हैं आप मोटे मोटे तौर पे याद रखें मैंने बहुत ज्यादा इनकी एप्लीकेशन देखी नहीं है सीधे सीधे रिलेशन पूछ लिया जाता है कई बार मेडिकल एग्जाम्स में कि भाई दोनों में रिलेशन क्या है ठीक है क्योंकि आजकल के जैसे एग्जाम है उनमें कुछ भी हो सकता है तो इसलिए जो है ऐसे अच्छा मुझे ये बताओ आप कि जिन लोगों ने जेई के व्यू से मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते नहीं है लेकिन नकुल जी फिर भी बता दू मैं मैं अब जेई का भी सिलेबस ऐसा हो गया है कि उसमें कुछ भी आ सकता है रीजन बीइंग क्योंकि हर हर साल क्योंकि ऑनलाइन पेपर होने की वजह से सुबह शाम पेपर होते हैं लगभग जो है सोलह सत्रह सेट होते हैं कोई सिक्सटीन सेट होते हैं एक तरह से ठीक है तो जब सोलह सेट हो गए तो सोलह सेट में यार पहले एक ही पेपर बनता था जेई का जब ऑफलाइन होता था अब सोलह पेपर बनने हैं तो इसमें वो कुछ भी डाल देगा सही है तो इसलिए जो है अभी सिलेबस की बाउंड्री काफी ज्यादा बढ़ गई कि आपका लक आपको आता क्या है ठीक है सो चलिए और बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डाउट अब सुन लीजिए एक बात मेरी मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से अब क्या है कि क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल खत्म कर लिया मुझे बताओ डाउट सेशंस का क्या स्टेटस चल रहा है अपना डाउट सेशंस का क्या स्टेटस है मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूं एक मिनट के लिए आप अपने को अनम्यूट कर सकते हो आप में से जिसने भी मुझे डाउट सेशन का स्टेटस बताना है अच्छा एक मिनट समोनी सिंह मनप्रीति सिंह के सर को फीवर था एक मिनट यार मैं सुन रहा हूं आपकी बात प्लीज आप मुझे क्लियर कर दें आप मुझे क्लियर कर दें कि माइक डिस्कनेक्टेड है भाई लेकिन ऐसे ऑडियो तो सुनाई दे रहा होगा ऑडियो तो सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है मेरी आवाज आ रही है आपको कि नहीं ओके सो आप लिख के बोलिएगा क्योंकि जो है एक मिनट लगा देता हूँ इसका मतलब माइक हमारा बड़ा काम का ठीक है अब आ रही है अब आ रही है आवाज ठीक है So, मुझे ये बताओ कि डाउट सेशन्स में क्या चल रहा है Anybody wants टू टॉक टू मी मुझे ये बताइए कि पीरियोडिक टेबल के डाउट्स आपके डाउट सेशन में डिस्कस हुए कि नहीं हुए हुए अमन प्रीति सिंह की हुए ओके ठीक है बहुत बढ़िया अच्छा अब मुझे ओके ओके एक्सरसाइज वन एंड टू है होमवर्क है, के तौर पे दी है बहुत बढ़िया सब सही ठीक है मतलब अगर आप डाउट सेशन लगा रहे हैं तो मतलब थिंग्स आर गोइंग फाइन है ना जो बच्चे रेगुलर लगा रहे हैं उनके लिए चीजें कंफर्टेबल हैं एम आई सेइंग राइट ओके okay. ठीक है मुझे नहीं पता बैच कोड का एटॉमिक रेडियो पीरियड में जो है कम होता है नकुल क्या पूछ रहा है अलॉन्ग ए पीरियड जो है एटॉमिक रेडियो कम होता है अच्छा सो सुनिए So, क्योंकि इसी के साथ हमारा पीरियोडिक टेबल खत्म होता है अब बताएं हम अगला टॉपिक कौन सा करेंगे एनसीआरटी में अगला टॉपिक कौन सा दिया है केमिकल बॉन्डिंग एक बुक देखने की जरूरत नहीं है जो हम करवा रहे हैं जो एनसीआरटी में है बस उतना ही सही है अगला टॉपिक मनप्रीत केमिकल बॉन्डिंग है देखो देखो अपने नोट इसमें यस सर केमिकल बॉन्डिंग अरुण वर्मा इज सेइंग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया तो हम जो है नेक्स्ट क्लास से केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करने लग जाएंगे ठीक है मतलब कल अगर क्लास है तो कल की क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करने लग जाएंगे बेटा जी जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मटेरियल दी सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेक्चर लगाया है उसको प्लीज आप देख लें ठीक है उसको अधूरा मत छोड़ें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है चलिए सो आज इतना ही करेंगे ठीक है आज की क्लास छोटी हुई क्योंकि पीरियडिक टेबल हमने खत्म कर लिया नो प्रॉब्लम नहीं गया था यार कल में सुजल नहीं गया था ठीक है चलो ओके बाय मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज हमने टॉपिक ओवर कर लिया आराम से मौज कीजिए नहीं नहीं मैं अकेला भी जाता हूं मतलब मुझे साइकिलिंग के लिए आपके जाने की जरूरत नहीं है मैं तो अकेले ही जाता हूँ लेकिन आजकल मैं भी कम जा रहा हूं पता नहीं क्यों यार ठीक है एक बार रूटीन टूट जाती है तो फिर जो है एक बार लेकिन बन गई तो फिर जो मैं जाऊंगा साढ़े पांच बजे जाता हूं मैं ठीक है डन चलिए बेटा जी ओके बाय बाय